दोस्तों मेरा नाम है गणेश, आप सभी का स्वागत है गणेश टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप यूट्यूब में नए हो या तो यूट्यूब में आने के लिए सोच रहे हो या तो आप यूट्यूब में आ चुके हो, 100 वीडियो 50 वीडियो ऐसे कुछ डाल चुके हो और आपके चैनल पे व्यूज नहीं आता, तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ चीज़ जिक्र करना सिखाऊँगा जो कि अगर ये काम आप करते हो तो दोस्तों पूरा 101% आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चीज़ मैंने फॉलो किया है इस यूट्यूब के करियर में। दोस्तों 1 साल से ऊपर मुझे भी हो गया है यूट्यूब में आए हुए और जो कि मैंने जो किया वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, जो बड़े बड़े क्रिएटर जो करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो करते हैं, उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या करना होता है यूट्यूब में आके, पहले ये चीज़ आप लोग सुन लीजिए। देखो यूट्यूब में लोग बार आते हैं कि मैं पैसे कमाऊंगा, मैं यूट्यूब की कमाई से मैं ट्राइपॉड खरीदूंगा, मोबाइल खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, ये बात सही है दोस्तों, लेकिन आपको यूट्यूब में आके दोस्तों फर्स्ट बार जब आप यूट्यूब में आओगे तो ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं YouTube में आके पैसे कमाऊंगा, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्यों पता है, अगर आप इस मकसद से आते हो YouTube में तो दोस्तों आपका चैनल ग्रो नहीं होता है, ग्रो बिल्कुल भी नहीं होता है, आपके चैनल में ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना व्यूज आते हैं, जो कि इसी प्रकार का ये कंटेंट सोच के आते हैं उनके लिए होता ही नहीं है। पहली बात, आपको यूट्यूब में आके सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देना है, अपने कंटेंट पे फोकस करना है और दबा के वीडियो बनाना है, दबा के वीडियो बनाना है, ना आपको व्यूज देखना है ना सब्सक्राइबर देखना है, आपको सिर्फ अपना माइंड सेट में रहना है कि मुझे हर रोज़ एक वीडियो डालना है, एक वीडियो डालना है, अपने टॉपिक को लेके एक वीडियो डालना ही है, ऐसे करके चलना है। दोस्तों देखो मैंने अभी तक, आप लोग मेरे चैनल के होम पेज में जाके, सॉरी चैनल अबाउट सेक्शन में जाके आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, बेशक मेरा व्यूज़ नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं यूट्यूब में, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं सोचा कि मेरा व्यूज़ नहीं आता है, मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, मुझे एक काम करना है तो करना है, मैं हमेशा एक वीडियो और किसी दिन होता है तो दो दो वीडियो भी डाल देता हूँ, मुझे डालना है तो डालना है। एक चीज़ मैंने सुना है, एक चीज़ मैंने महसूस किया है, अगर मैं मेहनत करूँगा तो कभी ना कभी ऊपर वाला मेरे पास भी नज़र गड़ाएगा और मेरे भी यूट्यूब चैनल में व्यूवर आएंगे, व्यूज आएगा कभी ना कभी, ये चीज़ मैं सोचता हूँ दोस्तों। और आप लोगों को एक रियलिटी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप मेहनत करते रहोगे कोई ना कोई यार ज़रूर आपके यूट्यूब चैनल को भी देखेगा और हमें 101% आपके चैनल में भी व्यूज आएंगे, अभी नहीं है तो क्या हुआ कुछ दिन में सही। तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए यूट्यूब में अगर आप लोग नए नए आते हो तो। मैं इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा हौसला देने वाला हूँ, मोटिवेट करने वाला हूँ कि अगर आप YouTube में आ भी चुके हो या तो YouTube में आना चाहते हो तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं पैसे कमाने के लिए आ रहा हूँ, आपको ये चीज़ सोचना है कि मैं YouTube में आके वीडियो डालूँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो जैसे ही वीडियो डालते रहो व्यूज नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन आपका चैनल धीरे धीरे दोस्तों YouTube के नज़र में आएगा और YouTube आपका चैनल को प्रमोट करेगा और वहां से सब्सक्राइबर आपके बढ़ेंगे और आपका व्यूज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। यही होता है बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी, कोई आए चैनल बनाया और एकदम से उनको मिलियन या तो 5,000-6,000 व्यूज नहीं आया, उनको भी संघर्ष करना पड़ा है दोस्तों यूट्यूब में आके। तो आज का मेरा यह टॉपिक का माध्यम आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में देख लिया होगा, तो यही है आज का टॉपिक। अगर आप YouTube में आते हो तो आपको मेहनत ही करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं आते, मेरे व्यूज नहीं आते, आपको इसको गांठ बांध लेना है, मैंने इसको नहीं देखना है, आपको हर रोज़ एक वीडियो पब्लिश करना है, वो आप देख लेना कौन सा टाइम आप पब्लिश करते हो अपना वीडियो। मैं तो यही करता हूँ कि नया यूट्यूबर मैं भी हूँ तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं हर रोज़ सवेरे 7 बजे वीडियो अपना पब्लिश करता हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप तक मेरे वीडियो पहुँच रहा है तो हर सुबह 7 बजे मेरा वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाती है, देख लिया करो। ये वीडियो भी दोस्तों जो आप लोग अभी शूट हो रहा है, ये शाम के वक्त मैं वीडियो शूट करता हूँ और सवेरे इसको पब्लिश कर देता हूँ, तो ये मैं पब्लिश टाइम लगा रखा हूँ। मैं जो जिस टॉपिक पे हूँ उस पे मैं फ़िलहाल चलता हूँ और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि देखो कोई भी आदमी यूट्यूब में आके
जैसे आप लोग देखे होंगे, सॉरी, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 7 दिन में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, 4000 घंटे का वॉच टाइम 30 दिन में कंप्लीट करें, ये सब क्लिक बेट होती है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है, उनका चैनल ग्रो हो चुका है इसलिए वो ऐसे क्लिकबीट करते हैं, क्लिकबेट कहते हैं इसको, करते हैं। तो आपका चैनल भी आप इस प्रकार से ग्रो हो जाएगा तो आप भी इस प्रकार का काम कर सकते हैं, उसको कहते हैं क्लिकबेट। जैसे कि क्लिकबेट लिखा कुछ है और वीडियो के अंदर जाओगे तो बताया कुछ और जाएगा। तो मैं जो आज ये टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर दोस्तों 101% जेन्युइन चीज़ है। अगर इसको आप फॉलो करते हो, अपने वीडियो के अंदर उतार देते हो, तो ज़रूर ही ज़रूरी के ज़रूर 101% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आपका यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। लेकिन कोई भी चीज़ जैसे अभी मैंने बता दिया तो एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उसको टाइम लगता है, चैनल को धीरे धीरे रिसाइकल होने में टाइम लगता है, किसी चीज़ को टाइम लगता है, ऑनलाइन पैसे कमाने में हर चीज़ में टाइम लगता है। तो उस टाइम को आप लोग थोड़ा वेट कीजिए कि वो टाइम भी आएगा, उस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए। तो ये होता है यूट्यूब में काम करने का तरीका और रीज़न। कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं बताता कि 4 दिन में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और 4 दिन में आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये गलत है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आपका चैनल ग्रो होगा दोस्तों। और बीच में ऐसे सोचोगे कि नहीं यार मेरे चैनल में व्यूज ही नहीं आता, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं आता, मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ, मेरे चैनल में कोई नहीं आएंगे और मेरे चैनल में पैसे वैसे कुछ नहीं आएगा, ऐसे नहीं सोचना है। ऐसे सोचोगे तो दोस्तों हार जाओगे। यूट्यूब में कोई भी आदमी ऐसे में सक्सेस नहीं हो सकता। जितने लोग भी यूट्यूब में सक्सेसफुल हुए हैं वो जीरो से ही स्टार्ट किए हैं। तो इसी प्रकार का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो डले हुए हैं, अगर आप लोग मेरे अबाउट सेक्शन में जाके मेरे वीडियो में देखना चाहो तो आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, उसमें आप लोग नॉलेज ले सकते हो। वीडियो का अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नॉलेजदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर आप लोग लाइक करोगे तो मुझे हौसला मिलेगी, मोटिवेट रहूँगा, तो मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार के ब्यूटीफुल वीडियो हमेशा लेकर आऊँगा, उसके लिए लाइक करके चलना। दोस्तों ऐसे बताने को आपके लिए मेरे पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लेकिन इस चीज़ को आप पहले फॉलो करो, पेशेंस रखो, वीडियो दबा के डालो, अपने कंटेंट पे ध्यान दो और कंटेंट एक रखो। जैसे कि YouTube टिप्स से रखते हो तो YouTube टिप्स से बनाओ, अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड रखते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड रखो, अगर आपके चैनल कुकिंग का है तो कुकिंग से रिलेटेड रखो, अगर आपका चैनल किसी गेम से रिलेटेड है तो गेम से रिलेटेड रखो, अगर आपका चैनल एजुकेशनल है तो एजुकेशन से रिलेटेड रखो, लेकिन एक वीडियो हमेशा कोशिश करो डालने का। तो कैसा लगा वीडियो यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा नाम है गणेश, अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगर आप अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, यूजर आईडी GanesTech95, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना। मैं उसमें भी आप लोगों को कुछ ज्ञान भरी टिप्स देते रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और कैसा लगा इस वीडियो, इसके बारे में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो आज के लिए बस इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।